जय हो श्री कृष्ण भगवान की। अथ सप्त दशोध्याय। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सतो माहोर्जस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी की है अथवा राजसी की व तामसी? श्री कृष्ण भगवान बोले, मनुष्यों की यह शास्त्र संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तुम मुझसे सुन। सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं, उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे खट्टे लवणयुक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूते परियोषितं चयत उज्जिष्ट मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अत पका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन अन्नदान से रहित बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग ना करने वाला प्रिय और हितकर यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता शांत भाव भगवत चिंतन करने का स्वभाव मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है।
दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा से पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञे तपसीताने यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म च तदर्थ्यम सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्त्वम कृतम च यत असिद्धिच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्यनो इह। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्र श्री कृष्ण जन समाधि नाम श्रद्धा ये विभाग योगो नाम सप्तदशोध्याय। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों लाचार हों चल फिर ना सकते हों आप उन्हें जरूर भगवद गीता जी का पाठ सुनाएं। अपने बच्चों को भी भगवद गीता जी का पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित करें ताकि वो सद्मार्ग पर चलें और सत्कर्म करें। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। विश्व के कल्याण के लिए जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवद गीता जी का पाठ शुरू किया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय श्री कृष्ण।